नामजदगी की जांच पड़ताल 14 जून तक की जाएगी। हतमी फहरिस्त 27 जून को शाया की जाएगी। इलेक्शन में हिस्सा न लेने वाले उम्मीदवार 28 जून को अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 29 जून को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। साबिक लीगी एमपीए अहमद खान बलोच का पीटीआई में शामिल होने का फैसला। अहमद खान बलोच के जहांगीर खान तरीन से सियासी मामला तय पा गए। अहमद खान बलोच के बेटे इस बार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इंतखाबात 2018 की तैयारियां जारी। भावलपुर के तमाम पोलिंग स्टेशन की हालत बेहतर बनाने की हिदायत। कमिश्नर भावलपुर ने डीसी रहमिया खान भावलनगर भावलपुर को खत लिख दिया। पोलिंग स्टेशन पर तमाम सहूलियात को फराहम किया जाए। खत का मतन। और नफ्स की पाकीजगी हासिल करने का बेहतरीन महीना रमजान मुबारक। रोही पर खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी। मोहम्मद इसना कौन करे दो जगते साया रहमत दा दो जगते साया रहमत दा ओ दिछांदियां रीसां कौन करे। मुनीर हाशमी ने बारगाह रिसालत में हदियानात पेश की। कारिया नसरीन अख्तर ऑफिसर मोटिवे पुलिस गुलरेज अहमद जमैन अली इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर अब्दुल कुलीम सुहेब अलामा अरशद नकवी शेफ इमरान और जुनेद अजीज मियां की शिरकत।